हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, आप भी पेटीएम से मूवी टिकट बुक करना चाहते हैं, न्यू मूवी देखना चाहते हैं वो भी सिनेमा हॉल में जा कर के, तो किस तरह से आप पेटीएम एप्लीकेशन से मूवी टिकट को बुक करेंगे और आप वहां पे जा कर के देख सकते हैं सिनेमा हॉल में। तो किस तरह से आपको बुक करना है पेटीएम एप्लीकेशन से, इस वीडियो में आपको कम्प्लीट जानकारी आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पेटीएम एप्लीकेशन से किस तरह से आपको मूवी टिकट बुक करना है। तो पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं टिकट, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे टिकट बुकिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फ्लाइट टिकट, बस टिकट, ट्रेन टिकट, मूवी टिकट। तो यहाँ पे मूवी टिकट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। मूवी टिकट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ टाइम वेट करना है, यहाँ पर सर्च हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका सिटी, कौन सा सिटी में आप रहते हैं वो आपको सिटी यहाँ पे आ जाएगा। वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप सिटी से रहते हैं, जो भी सिटी में आप रहते हैं सिटी को अपना सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे सिटी अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिटी यहाँ पे इंटर कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे नीचे आ चुका है मेरा सिटी, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे आपका सिटी रहेगा, जिस सिटी में आपका मूवी लगा हुआ रहे सारा यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा। जो भी मूवी जौन सा सब कुछ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ सारा कुछ यहाँ पे बुकिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। गदर टू जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बुक कर सकते हैं, बुक नाउ पे क्लिक करके बुक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे मूवी देखने को मिल रहा है। उसके बाद चलिए मैं यहाँ पे गदर मूवी बुक करने का ऑप्शन, यहाँ पे बुक नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। बुक नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ टाइम वेट कर लेते हैं हम। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं 25 तारीख का डेट यानी कल का डेट में, यानी आप मूवी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पे देखने को मिला अशोक मॉल, यहाँ पे आईनॉक्स अशोक पटना, बहुत सारे सिनेमा कैफे स्मार्ट, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन मेरे को दे रहा है, यहाँ पे दो गो में मूवी ये लगा हुआ है गदर टू। तो यहाँ पे जिस भी डेट में आप मूवी टिकट बुक करना चाहते हैं डेट अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके टाइम भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है 6:45 PM में। यहाँ पे 3 किलोमीटर, यहाँ पे लोकेशन भी दिखा रहा है कि आपको 3 किलोमीटर समय है, यानी 3 किलोमीटर दूरी है आपका लोकेशन से। यहाँ पे 10 किलोमीटर यहाँ पे दिखा रहा है सिनेमा कैफे स्मार्ट थिएटर। तो आपको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करना है डेट। उसके बाद यहाँ पे आपको अबाउट मूवी, यहाँ पे हिंदी आपको लैंग्वेज, यहाँ पे हिंदी आपको सिलेक्ट कर लेना। हिंदी मूवी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हिंदी मूवी भी, बहुत सारे रिव्यू यहाँ पे देखना चाहते हैं यहाँ पे रिव्यू भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे शो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, जो भी डेट में आपको डेट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे टाइम आपको सिलेक्ट करना, जैसे कि इस टाइम में हम मूवी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सीट आप कौन सा लेना चाहते हैं, यहाँ पे कितना टिकट आप लेना चाहते हैं, ABCD यहाँ पे करके नीचे दिया हुआ है जैसे कि देख सकते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं इधर 130 रुपये और नीचे भी 130 रुपये यहाँ पे आपको लगेगा एक सीट का। तो यहाँ पे आपको सीट सिलेक्ट करना है कौन कौन सा सीट आपको लेना है, यानी जितना टिकट बुक करना है उतना आपको इस तरह से आपको टाइप कर देना। तो मुझे यहाँ पे एक टिकट ही बुक करना है, मैं सिर्फ ऐसे ही बताने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 सीट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ टाइम वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आप अपने बैंक से पेमेंट करके उसके बाद आपको टिकट को बुक कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना UPI ID डालना है और यहाँ से आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आपका टिकट है जो बुक हो जाएगा। तो इसी तरह से आप भी अपने पेटीएम एप्लीकेशन से मूवी टिकट को बुक कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको पेटीएम एप्लीकेशन से मूवी टिकट को बुक करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं सुनील कुमार के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।